क्लास 8 चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज क्वेश्चन 30 ऑफ एक्सरसाइज 9.4 सिंप्लीफाई क्वेश्चन 3 सिंप्लीफाई फर्स्ट पॉइंट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट में एक्स प्लस 5 प्लस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25 अभी देखिए इसमें 25 अलग से आ गया जो अपन सेकेंड क्वेश्चन कर रहे थे उसमें सिर्फ ये बाइनोमियल्स और बाइनोमियल्स का ही मल्टीप्लाई हुआ था अब इसमें 25 और एक्स्ट्रा है तो कंडीशन वही है इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है और लास्ट में 25 को ऐड कर देंगे बिकॉज यहाँ पे प्लस 25 है ओके कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ में ये फुल ब्रेकेट आएगा मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ इस सेकेंड ब्रेकेट का मल्टीप्लाई माइनस 5 इसके साथ भी सेकेंड ब्रेकेट का मल्टीप्लाई लुक दिस एक्स स्क्वायर ओके एक्स प्लस 5 सेकेंड ब्रेकेट क्या है एक्स प्लस 5 तो एक्स प्लस 5 ओके अब यहाँ पे क्या है माइनस 5 पहले अपन ने एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स प्लस 5 का मल्टीप्लाई किया ओके सेकेंड ब्रेकेट इन दोनों के साथ में आना है ठीक है अब यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे क्या लगाया माइनस 5 ओके इसके साथ में मीन्स इसका मल्टीप्लाई भी एक्स प्लस 5 में ही होगा ठीक है अब अपने पास है 25 ठीक है इसको तो एज इट इज राइट करते जाना है सेम कंडीशन है ओके अब यहाँ पे ये देखिए एक्स स्क्वायर इस ब्रेकेट के बाहर एक्स स्क्वायर है ठीक है जो भी टर्म हो ब्रेकेट के बाहर तो उसका मल्टीप्लाई हर एक टर्म में होता है जो ब्रेकेट के अंदर होता है ओके एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स में और इसी एक्स स्क्वायर का 5 में उस 5 का एक्स में और इसी 5 का 5 में होगा अब ये देखिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स अब यहाँ पे क्या है प्लस है तो यहाँ पे क्या लगा लिया प्लस ओके अब इस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किस में होना है 5 ठीक है मैंने ये इसलिए लगाए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि किसका मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं ठीक है अब आसानी से समझ आ रहा होगा 5 का मल्टीप्लाई एक्स में अब पहले तो यहाँ पे माइनस है ठीक है साइन का याद रखिए नहीं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स ओके अब ध्यान से देखना ये 5 है माइनस 5 है मीन्स माइनस का साइन है और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ माइनस लगाएंगे 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 25 है ओके प्लस लगा के क्या राइट कर देंगे 25 ओके अब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए x की पावर 2 है x की पावर 1 है तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3 ओके अब एक्स स्क्वायर 5 है ठीक है मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर अब यहाँ पे 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x ओके माइनस है 5 जा 25 और प्लस 25 ओके अब एक्स क्यूब नहीं है तो उसको एज इट इज राइट कर देंगे ठीक है प्लस 5x स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी 1 है आगे नहीं है अभी देखिए 5x ये भी 1 टर्म इज एक्स एक ही है और कहीं नहीं है अब प्लस माइनस आ रहे हैं प्लस 25 और माइनस 25 आ रहा है तो ये कट हो गया ठीक है और जो बची गई ये अपना आंसर है सेकेंड पॉइंट इज ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5 ओके ये भी बाइनोमियल्स है अब ए स्क्वायर है ओके सेम कंडीशन ए स्क्वायर है तो इसका मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट में होगा बी क्यूब प्लस 3 ओके अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस 5 बी क्यू प्लस 3 अब यहाँ पे क्या है प्लस 5 है तो इसको एज इट इज प्लस 5 राइट कर देंगे अब कंडीशन क्या है ब्रैकेट के बाहर ए स्क्वायर है तो इसका मल्टीप्लाई और इन दोनों मल्टीप्लाई होगा 5 का बी क्यू में 5 का 3 में इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बी क्यू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 प्लस बी मल्टीप्लाई बी क्यू प्लस बी 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 अब एक स्क्वायर
और बी क्यू एज इट इट आएंगे, इनका मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यू प्लस 5 3 15 प्लस 5। ठीक है, अब दोनों प्लस प्लस में तो प्लस हो जाएंगे, ए स्क्वायर बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 5 बी क्यू प्लस 15 and 5 20। ओके, दिस इज आंसर। थर्ड पॉइंट इज टी प्लस एक्स एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई, इसके आगे कोई भी डिजिट नहीं है तो टी टी राइट करेंगे और सेकंड ब्रेकेट फुल माइनस एस। ओके, प्लस एस स्क्वायर इसके साथ भी फुल ब्रेकेट आएगा। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे टी का टी स्क्वायर में इसी टी का एस में, एस स्क्वायर का टी स्क्वायर में इसका एस में, टी मल्टीप्लाई टी स्क्वायर माइनस टी मल्टीप्लाई एस प्लस एस स्क्वायर मल्टीप्लाई टी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एस स्क्वायर मल्टीप्लाई एस। मल्टीप्लाई कर देंगे टी की पावर 1 टी की पावर 2 कितने हो जाएगी, टी की पावर 3 और टी एस है तो टी एस प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस की पावर 2 और एस की पावर 1 तो एस की पावर कितनी हो जाएगी 3। टी एस को एच टी भी राइट कर सकते हैं। ओके, दिस इज आंसर। फोर्थ पॉइंट, अभी देखिए इतने ये लाइन तो लंबी है लेकिन मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, जिस तरीके से अपने टू टू टर्म का मल्टीप्लाई किया है, अब इसमें क्या है थ्री थ्री टर्म एक साथ आ गए हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करना सेम है, अब इसको ध्यान से देखोगे ना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके, अभी देखिए ये अपने पास टू ब्रेकेट एक साथ है, ये एक साथ है और ये अलग टर्म हो गया। ओके, मीन्स ये अलग अलग टर्म है, मीन्स थ्री सम्स को मिलाकर वन सम्स बनाया गया। अब यहां से लेके ये वन सम्स ये हो गया, वन ये हो गया, वन ये हो गया। ओके, अभी देखिए ध्यान से देखते जाना तो एक एक स्टेप समझ आ जाएगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो कंडीशन ए का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रेकेट में होगा, फुल ब्रेकेट आएगा ए के साथ और बी के साथ भी फुल ब्रेकेट आएगा। ठीक है, मैंने बताया हुआ था इसके साथ ही फुल ब्रेकेट और इसके साथ भी फुल ब्रेकेट, ए सी माइनस डी। अब यहां पे है प्लस बी सी माइनस डी। ओके, अब ये प्लस है। ठीक है, ये इन दोनों का मीन्स अपने सोल्व किया है तो इसको इस तरीके से लाइन बना देंगे ताकि समझ आ जाए सोल्व करने के लिए। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई ए ए के साथ में, ये उसके साथ वाला फुल ब्रेकेट सी प्लस डी। अब ये माइनस माइनस बी बी के साथ में भी फुल ब्रेकेट, गॉट इट। अब इसमें भी एक लाइन बना देंगे ताकि ये समझ आ जाए। अब यहाँ पे क्या है प्लस प्लस, अब इन दोनों के बाहर टू हैं तो ओनली टू का ही मल्टीप्लाई होगा, टू का वन में और टू का सेकंड में, टू मल्टीप्लाई ए सी। अब यहाँ पे क्या है प्लस 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 हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई बी डी। ओके, अब इनका करेंगे मल्टीप्लाई, ए का सी में मल्टीप्लाई फिर ए का डी में। ठीक है, कंडीशन ए का सी में और ए का डी में, बी का सी में बी का डी में। ठीक है, अब अच्छे से समझ आ रहा होगा, ए का सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई सी, अब यहाँ पे क्या है माइनस ए मल्टीप्लाई डी, अब यहाँ पे क्या है प्लस बी मल्टीप्लाई सी, अब प्लस माइनस माइनस बी मल्टीप्लाई डी, अब यहाँ पे क्या है प्लस ए मल्टीप्लाई सी प्लस 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 ए मल्टीप्लाई डी, अब ये माइनस है बी मल्टीप्लाई सी माइनस प्लस माइनस बी मल्टीप्लाई डी। अब यहाँ पे क्या आ गया अपने पास प्लस प्लस आ गया टू ए सी टू ए सी, अब है अपने पास प्लस टू बी डी। ओके,
अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, ए का सी मल्टीप्लाई ए सी, ए डी का ए डी, बी सी का बी सी, ठीक है, बी डी बी डी, ए सी ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी का मल्टीप्लाई बी सी माइनस बी डी प्लस टू ए सी टू बी डी, गोट इट। अब इसको लाइक टर्म में अरेंज करेंगे, लाइक टर्म में अरेंज करना मैंने बताया हुआ था, ठीक है, कि लाइक टर्म में होता क्या है, ए सी, अब ए सी कहाँ पे है, ए सी ये है अपने पास, ठीक है, जहाँ ए सी है और ये भी एसी है तो एसी वाले टर्म एक साथ, ठीक है, यही लाइक टर्म अरेंज करना होता है कि सेम होना चाहिए, ठीक है, एसी और प्लस टू ए सी, ओके, टू ए सी। अब देखते हैं एडी, ए डी, अब एडी और कहाँ दिख रहा है, ठीक है, इसको टिक मार्क कर लेंगे ताकि पता चल जाए कि अपने कौन से राइट हो गए। अब एडी, एडी राइट किया, एडी और कहाँ है, एडी और ये अपने पास एडी है तो प्लस ए डी है तो प्लस ए डी, ओके, और कहीं भी ए डी कहीं पे भी नहीं है। अब ये अपने पास बी सी, ओके, अब अपने पास क्या है, बी सी, तो बी सी ये भी राइट हो गया, ओके, अब बी सी अपने पास और कहाँ है, ये है बी सी, ठीक है, माइनस में बी सी है तो ये भी राइट हो गया। अब अपने पास क्या आता है, बी डी, बी डी, ओके, अब बी डी और कहाँ है, बी डी एक ही है अपने पास तो ये राइट कर लिया, ओके, एक बी डी अपने पास ये है तो ये भी राइट हो गया, ठीक है, और अपने पास अब क्या है, ए सी, ये ए सी, एक तो अपन ने ये राइट किया था ये वाला और ये टू ए सी ये राइट किया था तो वन ए सी और है अपने पास तो वन ए सी जो बचता है ना वो अपन पीछे राइट कर देंगे, ओके, अब यहाँ पे कोई सी डिजिट नहीं बची हुई है, सेम कंडीशन। अब ये देखिए ध्यान से, ये ए सी जो कट रहा है जो प्लस माइनस में होगा सेम होगा उसको कट कर देंगे, प्लस ए डी माइनस ए डी ये कट, प्लस बी सी माइनस बी सी ये कट हो गए हैं, ठीक है, ओके। अब ये देखिए ए सी ए सी कितने टाइम है, फोर टाइम है और कट भी नहीं हो रहा, ए सी ए सी ए सी तो टू वन थ्री और वन फोर कितना हो जाएगा, फोर ए सी। अब बी डी देखिए, बी डी बी डी बी डी, लेकिन ये दोनों माइनस में है तो ये बी डी और बी डी तो पहले क्या हो जाएंगे, ये वन और वन टू वी डी और प्लस टू वी डी ये वाले बचे हुए हैं, ओके। अब ये देखिए एक प्लस एक माइनस ही कट गए तो अपना आंसर क्या बचा यहाँ पे, ओनली फोर ए सी, ओके, दिस इज आंसर। ये अपने इसके फोर्थ पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं यहां तक। अब ये आगे के फिफ्थ से अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।